पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने युवा किसान शुभकर्ण की मौत के मामले में याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के साथ साथ किसानों को भी जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इंटरनेट बैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंटरनेट आम जनता का अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान आतंकवादी नहीं है जो उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सरकार हैं, आप आतंकवादी नहीं हैं जो किसानों पर आप गोलियां चला रही हैं। किसानों को कहा कि किसान आंदोलन में मॉडिफाइड ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लेकर आए, इस तरह से कैसे आपके आंदोलन को जायज ठहराया जाए। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की। हाई कोर्ट ने शुभकर्ण की मौत की न्यायिक जांच की मांग पर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और मामले से जुड़े अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके सभी से जवाब मांगा है। किसान शुभकर्ण की मौत के बाद FIR दर्ज करने में देरी आखिरकार क्यों हुई? हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की सरकारों को फटकार लगाई गई। इस दौरान किसान नेता हाई कोर्ट में नदारद रहे, जिससे किसान नेताओं के ना मौजूद होने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने किसानों को कहा कि आप हाईवे पर मांगों को लेकर बैठे हो, लेकिन जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान अदालत में आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने युवा किसान शुभकर्ण की मौत के मामले में याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के साथ साथ किसानों को भी जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इंटरनेट बैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंटरनेट आम जनता का अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान आतंकवादी नहीं है जो उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सरकार हैं, आप आतंकवादी नहीं हैं जो किसानों पर आप गोलियां चला रही हैं। किसानों को कहा कि किसान आंदोलन में मॉडिफाइड ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लेकर आए, इस तरह से कैसे आपके आंदोलन को जायज ठहराया जाए। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की। हाई कोर्ट ने शुभकर्ण की मौत की न्यायिक जांच की मांग पर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और मामले से जुड़े अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके सभी से जवाब मांगा है। किसान शुभकर्ण की मौत के बाद FIR दर्ज करने में देरी आखिरकार क्यों हुई? हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की सरकारों को फटकार लगाई गई। इस दौरान किसान नेता हाई कोर्ट में नदारद रहे, जिससे किसान नेताओं के ना मौजूद होने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने किसानों को कहा कि आप हाईवे पर मांगों को लेकर बैठे हो, लेकिन जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान अदालत में आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने युवा किसान शुभकर्ण की मौत के मामले में याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के साथ साथ किसानों को भी जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इंटरनेट बैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंटरनेट आम जनता का अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान आतंकवादी नहीं है जो उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सरकार हैं, आप आतंकवादी नहीं हैं जो किसानों पर आप गोलियां चला रही हैं। किसानों को कहा कि किसान आंदोलन में मॉडिफाइड ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लेकर आए, इस तरह से कैसे आपके आंदोलन को जायज ठहराया जाए। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की। हाई कोर्ट ने शुभकर्ण की मौत की न्यायिक जांच की मांग पर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और मामले से जुड़े अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके सभी से जवाब मांगा है। किसान शुभकर्ण की मौत के बाद FIR दर्ज करने में देरी आखिरकार क्यों हुई? हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की सरकारों को फटकार लगाई गई। इस दौरान किसान नेता हाई कोर्ट में नदारद रहे, जिससे किसान नेताओं के ना मौजूद होने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने किसानों को कहा कि आप हाईवे पर मांगों को लेकर बैठे हो, लेकिन जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान अदालत में आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे।